जामनगर गांव में एक डॉक्टर हुआ करता था। नाम था अजय घोष। वो बहुत स्वार्थी था, लालची भी था। उसके अस्पताल के आसपास के सारे दुकान उसी के थे। वहाँ एक मेडिकल शॉप, एक समोसा शॉप, एक पॉपकॉर्न शॉप हुआ करता था। वहाँ पर एक डायग्नोसिस सेंटर भी था। हर महीने वहाँ से अजय घोष किराया लेता था। वो मेडिकल शॉप और डायग्नोसिस सेंटर उसी के थे। उसका साला चलाया करता था। वो समोसा दुकान जीवाराम नाम का एक गरीब इंसान चलाता था। अपने पास आने वाले पेशेंट से अजय घोष, भाई ये दवाई एक हफ्ते तक लेना होगा, ये दवाई अपनी दुकान से खरीद लो, मेरा नाम बोलो, डिस्काउंट देंगे, साथ ही साथ एक हफ्ते के बाद जो भी टेस्ट में बोलूं हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर पर करवा कर लेकर आओ। यूं कहा तब पेशेंट, सर एक छोटा सा दर्द के लिए इतने सारे दवाइयां और इतने सारे टेस्ट। यूं कहा तो अजय घोष, क्यों भाई डॉक्टर मैं हूँ या तुम? छोटी बीमारी से ही कल बड़ा सा लंग इन्फेक्शन हुआ तो छोटा सा दर्द कैंसर भी हो सकता है ना। छोटा सांप भी है तो बड़े सांप से मरना होगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। यूं कहा। इस तरह वो पेशेंट्स के साथ गोलमाल करके पैसे ज्यादा लेता था। एक दिन वो जीवाराम के पास आकर, क्यों भाई व्यापार अच्छे से चल रहा है लगता है, अब ना ही सिर्फ किराया बढ़ेगा लेकिन तुम्हारे मुनाफे में मुझे 10% भाग भी देना होगा, वरना मेरे बारे में तुम नहीं जानते हो। यूं कहा तब जीवाराम, अरे डॉक्टर बाबू आपका नजर मुझ पर गिरी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ, आप जो भी करोगे वो नहीं हो सकता है। यूं कहा अजय घोष, क्यों भाई तो इनकार कर रहे हो ना, ठीक है फिर तुम दुकान छोड़कर जाना चाहोगे वैसे करूँगा, रुको। कहकर चले गया। उस दिन से पेशेंट से अजय घोष, भाई तुम कहीं पर भी समोसे खाओ लेकिन वो जीवन राम के पास समोसा कभी भी मत खाना, वो तेल जो इस्तेमाल करता है वो बहुत घटिया है, उसे कितने बार भी बोलने से वो सुधरता ही नहीं, कहकर उसकी बुराई करने लगा। इससे जीवाराम के पास लोगों का आना बंद हो गया। क्या चल रहा है वो समझ ही नहीं पाया तो सर पकड़ लिया। एक दिन एक समोसा भी नहीं बिका तो जीवाराम बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसका बेटा अभिराम शहर से आया। वो बहुत होशियार था। पिता ने जो भी कहा वो सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। अभिराम, अचानक लोग आना बंद क्यों कर दिए? कोई तो कारण जरूर होगा, पता लगाना होगा। यूं कहा। फिर अभिराम गांव में कुछ लोगों से पूछताछ किया तो उसे पता चल गया कि ये सब उस डॉक्टर का किया धरा है। तब उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत जाकर एक एयर फ्रायर खरीद कर लाया। उसे पिता को देकर उसे क्या करना है कहा। अगले दिन अभिराम पिता के दुकान के पास नो ऑयल समोसा ऐसे बोर्ड लगाया। आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, बिना तेल के समोसे, गर्मा गर्म समोसे, एक बूंद भी बिना तेल इस्तेमाल किए बनाएंगे समोसे, सेहत के लिए सही होने वाले समोसे, आओ आओ, एक बार खाओगे तो कभी भी बंद नहीं करोगे, आओ भाई आओ, बिना तेल के समोसे। यूं पुकारा। वो देखकर लोग आए और आश्चर्य से कैसे काम करता है देखने लगे। तब जीवाराम समोसा बनाकर उस एयर फ्रायर में डाला। कुछ देर बाद वे अच्छे से पक गए। उन्हें निकालकर आए हुए लोगों को देने लगे दोनों बाप बेटे। उसका स्वाद चखकर लोग स्वाद पर फिदा हो गए थे। जीवाराम, देखा ना बिना एक बूंद तेल के भी कितना स्वादिष्ट है, इसके वजह से आपके सेहत पर कोई खतरा नहीं, आराम से जितना चाहो उतने समोसे खा सकते हो। यूं कहा। इस तरह उनका व्यापार थोड़े ही दिनों में खूब तरक्की करने लगा। कुछ दिनों में दोनों वो दुकान खाली करके एक बंडी लगाकर उसी पर समोसा बनाकर बेचने लगे। उनकी तरक्की देखकर अजय घोष सर पकड़ लिया। बरहमपुर के गांव में कैलाश कहकर एक आदमी रहता था। उनको एक समोसा का थैला था, उस पर कैलाश गर्मा गर्म समोसा बनाकर लोगों को बेचता रहता था।
ऐसा वो बहुत सारे पैसे भी कमाया। कमाए हुए सारे पैसों को घर में एक अलमारी में रखता था। हर रोज अलमारी खोलकर उन पैसों को आरती देकर पूजा करता था। उसे और भी ज्यादा पैसे मिलना है कहकर बहुत मन्नतें मांगता था। स्वामी जी वालों को घर में बुलाकर उनको अच्छा सा खाना खिलाकर उनका आशीर्वाद भी लेता था। एक दिन जब वो पैसों को आरती दे रहा था, तब उसकी पत्नी, ये क्या है जी, आपको ये पैसों का पागलपन कब से शुरू हुआ? पैसों को कोई भी ऐसी पूजा करके आरती देता है क्या? आपको तो हर रोज पैसों के ऊपर लालच बढ़ रहा है, बोली। तब कैलाश, तुम मुंह बंद करो, पैसों का मूल्य के बारे में घर में बैठकर खाने वाली तुमको क्या पता होता है? आज सच्चानंद स्वामी जी आ रहे हैं, जाकर सब कुछ इंतजाम करो, जाओ, कहा। ऐसे उस दिन स्वामी जी उनका घर आकर खाना खाए। बाद में कैलाश उनका चरणों को प्रणाम करके, स्वामी जी इतने सालों से आपको मैंने बहुत बार बुलाकर आदर किया था, लेकिन आप तो कभी भी मुझे कुछ वरदान चाहिए कहकर नहीं पूछे, कहा। तब स्वामी जी, बेटा तुम्हें जिंदगी में क्या कमी है? सब कुछ तो है ना तुम्हारे पास, और भी तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी जी का आशीर्वाद काफी नहीं हो रहा है क्या? पूछा। तब कैलाश, आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है स्वामी जी, मैं तो बहुत मुश्किल में हूँ, व्यापार के लिए बहुत उधार किया था, दया करके मुझे कुछ वरदान दीजिए, उस वरदान से मुझे बहुत सारे पैसे मिले जैसे कीजिए, कहा। तब वो स्वामी जी ठीक है बेटा कहकर उनका हाथ घुमाया। तब उधर एक मशीन प्रकट हुआ। तब स्वामी जी, बेटा ये तो एक मैजिकल समोसा मशीन है, इसमें तुम आटा डाले तो बस है, इसमें से समोसे अपने आप बाहर निकलते हैं, इससे तुम्हें तेल का खर्चा, गैस का खर्चा सब कुछ बच जाते हैं, कम खर्चे में ही समोसा को बेचकर अच्छे से पैसे कमाओ, कहकर उधर से चला गया। उस दिन से कैलाश बाजार में उस मशीन को लगाकर, आइए बाबू आइए, मैजिकल समोसा मशीन को देखिए, ताजे ताजे गर्मा गर्म मैजिकल समोसे खाइए, कहकर मशीन में आटा डालने लगा तो उस मशीन में से गर्मा गर्म समोसे निकलने लगे। समोसे खाकर लोगों को उनका स्वाद बहुत पसंद आया। उससे कैलाश को पैसे अच्छे से मिलने लगे। कुछ दिन के बाद कैलाश का आस और भी बढ़ गया था। वो स्वामी जी वरदान तो अच्छा ही दिया था, लेकिन उस मशीन में आटा डालने का काम भी नहीं रहकर अगर समोसे अपने आप निकलेंगे तो और भी अच्छा होता था, फिर भी उस आटा के लिए तो बहुत सारे पैसे खर्चे हो रहे हैं। आज से कम दाम और कम गुणवत्ता वाला आटा खरीद कर पैसे बचाना है, सोचा। ऐसे ही वो बगल वाले गांव में जाकर कम दाम और गुणवत्ता वाला आटा खरीद कर उसको लाकर मशीन में डालकर समोसा बेचने लगा। उनको खाकर लोगों को उसका स्वाद कुछ अलग सा रहने के वजह से उसके बारे में पूछे। तब कैलाश, मशीन में सेटिंग में कुछ परिवर्तन आया होगा, लेकिन स्वाद का क्या कहना है, बहुत बढ़िया तो है, कहकर मामला संभाला। कुछ दिन के बाद उसमें और भी आस बढ़ गया था। ये सस्ता वाला आटा भी जरूरी नहीं है, इसमें और भी सस्ता वाला मैदा मिला दिया तो मुझे और भी पैसे बच जाते हैं, सोचा। ऐसे वो उस सस्ता आटे में और भी सस्ता वाला मैदा मिला दिया, उसको मशीन में डालकर समोसा बनाया। उनका स्वाद खाकर लोग तो प्लेट को फेंक कर बहुत गुस्सा होकर उधर से चले गए और फिर कभी उसके पास नहीं आए। उससे कैलाश बहुत घबरा गया था। तभी उसका समोसा मशीन भी गायब हो गई। ये सब उस स्वामी जी का महिमा है सोचकर तुरंत कैलाश उनका आश्रम में जाकर गलती हो गया है कहकर माफी मांगा। तब स्वामी जी, बेटा पैसों पर आस जो है वो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, तुम्हारे मामले में भी वही हुआ है। हमारे पास जो रहता है उससे संतुष्टि से रहेंगे तो हमारा जिंदगी खुशी से गुजर जाता है, कम से कम अब तो बुद्धि लाकर अच्छे से जिंदगी जियो, कहा। उस दिन से कैलाश वापस उसका थैले में समोसा बेचते हुए ईमानदारी का जिंदगी जीने लगा। कैलाश, हाय दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप में से कितने लोगों को समोसा पसंद है ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।